ओके, नवंबर पीआईबी वीकली का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एयरपोर्ट है उड़ीसा में, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका नेम जो है एक्चुअली रिनेम किया जा रहा है और जो रखा जाएगा वो होगा वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेम चेंज किया गया है कौन से स्टेट में किया गया है, उड़ीसा में। अब जो वीर सुरेंद्र साई है वो एक वेल नोन फ्रीडम फाइटर है उड़ीसा से, एंड ये जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को चेंज नेम जो चेंज किया जा रहा है ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड चली आ रही थी उड़ीसा गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उसके बेसिस पे किया जा रहा है लोकल सेंटिमेंट्स को कंसिडर करते हुए, एंड इट विल ऑल्सो बी यू नो बी फिटिंग ट्रिब्यूट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो भी मतलब वीर सुरेंद्र साई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड या इंडियन फ्रीडम सॉरी सेम फ्रीडम फाइटर में एज फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो उस चीज़ को भी बेसिकली ट्रिब्यूट देने के लिए चेंज किया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट जो है धर्म गार्डियन 2018, दिस इज बेसिकली ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, जो कि बेसिकली होगी काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, इन सब से रिलेटेड होगी, मिजोरम में होगी, हो चुकी है 1 नवंबर 2018 को, एंड ये अपनी तरीके की एक पहली एक्सरसाइज है इस तरीके की जो कि 14 डेज के अराउंड जो है चलने वाली है। 1 नवंबर से 14 नवंबर तक ये चली। ठीक है, एंड इसमें दोनों ही तरीके की जो मतलब ड्रिलिंग है काइंड ऑफ इंडोर क्लासेस और जो आउटडोर ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में वो दोनों की जाएंगी। नेक्स्ट है एमएसएमई सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब इसमें बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली जैसे कि एमएसएमई जो सेक्टर है उसके लिए क्रेडिट का जो एक्सेस है, मार्केट का जो एक्सेस है, ठीक है, उनकी हैंड होल्डिंग करना, ठीक है, मतलब जो इनिशियल स्टेज पर जो एमएसएमईज होते हैं उनको थोड़ा हेल्प करके ऊपर तक लेकर आना, फैसिलिटेशन सपोर्ट मेजर्स, तो ये सारे इसमें किए जाएंगे। तो जो ये एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम है दिस इज़ बेसिकली व्हाट, ये 100 डेज के लिए चलेगा जिसमें कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री कवर किए जाएंगे। ठीक है, 100 for 100, एंड कई सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं इन ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे इनको विजिट करेंगी और यहाँ पे देखेंगी कि किस किस तरीके के एंटरप्रेनर्स जो हैं यहाँ पे हैं और कैसी फैसिलिटीज़ जो हैं एमएसएमई सेक्टर के पास है और कैसे उनको हम मतलब इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इन्हांस कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आएंगे और इन सारी फैसिलिटीज का अच्छे से यूज कर एमएसएमई को क्रेडिट, मार्केट और ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा, बिकॉज एमएसएमई जो सेक्टर है दिस इज वन ऑफ द मेजर जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एंड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनमी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट न्यूज बट इंडिया और मोरक्को के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड ये जो साइन हुआ है ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, तो एक बेसिकली एक ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो साइन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में, किस चीज़ में, इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम, ट्रेसिंग, रीस्ट्रेन, फॉर्टिफिकेशन और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्राइम। तो बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स में किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को असिस्ट कर सकती हैं उसके लिए, बिकॉज हमने यहाँ पे बात जो है मोरक्को की है, तो थोड़ा सा मोरक्को की लोकेशन देख लेते हैं। ये है यहाँ पे मोरक्को की लोकेशन, फाइन, इधर पे ये बीच में है, दिस इज, हो सकता है इतना विजिबल ना हो, बट दिस इज, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है मोरक्को के बीच में और यहाँ पे ये हमें लगता है कि मोरक्को और स्पेन के बीच में है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो टेरिटरी है ये यूके के पास में है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मोरक्को और यूके के बीच में पड़ती है, एंड इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। ठीक है,
फाइन, उसके अलावा मोरक्को के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, कुछ मतलब मोरक्को की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए किधर है। यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स हैं एंड ऑब्वियसली इधर पे ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि मोरक्को की लोकेशन क्या थी। इसके अलावा अब इंडिया ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, हम चाहते हैं कि जो इसकी मेंबरशिप है वो सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स हैं, अराउंड 193 कंट्रीज, उन सबके लिए इसकी जो मेंबरशिप है वो ओपन रहे। इनिशियली ये था कि जितने भी कंट्रीज ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हैं, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं, वो सब इसकी मेंबर्स बन सकती हैं। बट अभी ये कहा है इंडिया ने कि वी वॉन्ट दैट, आई मीन वी एक्चुअली एनवाइज की जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर नेशंस हैं वो सब इसके मेंबर्स बने, ठीक है। तो ये हो ये हम चाहते हैं, एंड यूनियन कैबिनेट ने इस पे एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी दे दिया है इस रिजोल्यूशन के लिए। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब हम अब ये जो मेंबरशिप है इसको ओपन कर देंगे, तो इससे ये होगा कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन एजेंडा क्या है? सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। तो इससे ये होगा कि सोलर एनर्जी जो है एक ग्लोबल एजेंडा के रूप में आएगी, ठीक है, जिससे कि दोनों ही तरीके की कंट्रीज, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड हो, उनके लिए एक मतलब अपील का काइंड ऑफ काम करेगी। दोनों दोनों तरीके की कंट्रीज, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, उस पर फोकस करेंगे। सेकेंड चीज, इससे क्या होगा कि हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इंक्लूसिव हो जाएगा, जहाँ पे जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की वो उसका मेंबर बनेंगी। एंड इससे हम एक तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबरशिप को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड है उसको भी बेनिफिट होगा एट लार्ज। फाइन, नेक्स्ट जो है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू अटसन मोबाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये लॉन्च किया है, विच इज बेसिकली अनरिजर्व मोबाइल टिकटिंग। जो रिजर्व, तो हम ऑब्वियसली हमें रिजर्वेशंस करने होते हैं, ठीक है, स्लीपर, एसी क्लास और व्हाटएवर, तो वो हम IRCTC वेबसाइट के थ्रू और एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। बट जो अनरिजर्व टिकट्स होते हैं या जो प्लेटफॉर्म टिकट्स होते हैं, वो भी अब हम इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अटसन मोबाइल ऐप। फाइन, तो ये इसलिए लाई गई है टू प्रमोट 3 C's, एंड ये हम आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, दैट वी नीड टू प्रमोट दिस 3 C's। जब भी बात ई गवर्नेंस की जाती है, GS2 का जो टॉपिक है, जैसे कि 3 C's क्या है? कैशलेस ट्रांजेक्शंस, डिजिटल पेमेंट हो, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेस टिकटिंग, एक तो कैशलेस हो, कॉन्टैक्ट लेस हो, दैट मीन्स फिजिकली बंदे को जाना ना पड़े पॉइंट ऑफ सेल पे, ठीक है, घर बैठे टिकट मिल गया। एंड तीसरी चीज, कस्टमर कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस। फाइन, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आप जितनी भी सीजन टिकट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट्स होते हैं, इस मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हो, एंड ऑब्वियसली एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज फोन्स के थ्रू। सो बस इसमें करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, एंड देन देयर यू गो। फाइन, सो दिस वाज अबाउट अटसन मोबाइल। नाउ नेक्स्ट इज दैट इंडिया हैव बेसिकली सर्च 23 रैंक्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, बेसिकली इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट देता है, कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए, इंडिया ने बहुत ज्यादा लीप लिया है, 23 रैंक्स के अराउंड जो है लीप लिया है इंडिया ने। 2017-18 में 100 रैंक थी हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बट अब 77 हो गई है। फाइन, एंड जो इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में, ठीक है, वो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। फाइन, तो इसमें इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट 146 रैंक से इस ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में हम 80th रैंक में आ गए, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर जो भी ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो इंडिया में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज बीन टेकिंग इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द पैरामीटर ऑफ ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, क्योंकि 92% इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाय वॉल्यूम जो है वो कौन हैंडल करता है? हमारे पोर्ट्स हैंडल करते हैं। एंड वर्ल्ड बैंक ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स ऑफ द ईयर, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज है नेशनल सेमिनार ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन आयुर्वेद. बेसिकली आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ठीक है इसको किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट में किया गया है. एंड ये जो सेमिनार है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन एसोसिएशन विद नीति आयोग जो है ये ऑर्गेनाइज किया है. तो इसमें बेसिकली इनका जो एम है वो है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं किस एरिया में, आयुष के एरिया में या आयुर्वेद स्पेशली आयुर्वेदिक वाले एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं उनको एनकरेज किया जा सके. तो ये सब कुछ है इसमें. नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड आयुर्वेद डे जो है सेलिब्रेट किया गया ठीक है. एंड ये हम पता होना चाहिए कि जो आयुर्वेद डे इंडिया सेलिब्रेट करता है ये किस ओकेजन पे करता है, ये धन्वंतरी ठीक है. इनको बेसिकली धन्वंतरी ही वॉज अ फिजिसिस्ट एज पर आई नो फाइन, तो इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन कमेंट. देन तो धन्वंतरी जयंती पे जो है ये आयुर्वेद डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है. आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इस डे पे लॉन्च किया गया. आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ठीक है, फॉर द आयुष सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर विच इज एक्सपेक्टेड टू रिवॉल्यूशनाइज दी. अब आयुष में क्या क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी विच आर प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री. तो बेसिकली आयुष जो सिस्टम है उसको मॉडर्न आईटी सॉल्यूशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है. एंड एक चीज और, आयुष में ये तो आते ही आयुर्वेद, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, अभी एक और ऐड भी कर दिया गया है सोवा रिग्पा फाइन, सो वो भी इसमें ऐड किया गया है. सो दिस वाज पार्ट 1 इन नवंबर पीआईबी वीकली एंड थैंक यू.